अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाबी हॉल ऑफ फेम। और मैं हूँ हमजा मकबूल। आज कुछ डिफरेंट हम चीज़ लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इंटरफेथ हार्मनी की बेस पे ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद की जो पीस कमेटी है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। कॉमन ग्राउंड वाशिंगटन डी सी की तरफ से पाकिस्तान में नेशनल डायरेक्टर तैनात हैं और इंटरफेथ हार्मनी पे काम कर रहे हैं। ये जो एन जी ओ है ये 6 बरअज़म पे काम कर रही है कि जितने भी लोग हैं डिफरेंट मज़हब के जो लोग हैं उनको साथ में इकट्ठा किया जाए, जो उनके अंदर कॉमन चीज़ें हैं उनकी बेस पे उन पर एक मोहब्बत फैलाई जाए, पॉजिटिविटी फैलाई जाए, ताकि दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है आप देखते हैं मज़हब के नाम पे नफरत फैलाते हैं, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो जो मुफ्ती साहब हैं ये PhD कर रहे हैं, तमाम मज़हब की किताबों में इनकी PhD है और स्पेशली इंटरफेथ हार्मनी पे ये काम कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन भी इसी चीज़ में है। चाहे वो कुरान हो, इंजील हो, तौरा हो, जबूर हो, सब पे अबूर रखते हैं। जितनी भी किताबें हैं आप कोई भी बात करते हैं तो ये रेफरेंस उठा के आपको दिखाएंगे कि फलां किताब इस बारे में क्या कहती है। उसके अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, जितने भी मज़ाहिब हैं सब के बारे में ये बात कर सकते हैं। तो वेलकम मुफ्ती साहब टू दुबई और वेलकम टू बाबी मीडिया। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच हमजा के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और एक अच्छा पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप मोहब्बतें फैला रहे हैं UAE में, पूरी दुनिया में। मैं आपको, आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश तो करता जी हूँ। आप देखते हैं हमारे मोस्टली उलमा जो हैं, जो मौलवी हजरात हैं, बड़े थोड़े से सीरियस रहते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ मुफ्ती AR रहमान हैं जिनको पसंद है चश्मा लगाना और अच्छे से बन सवर के बैठना, क्योंकि उन हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला को भी हुसन पसंद है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि इंसान अच्छा पहने और अपनी इस्तात के मुताबिक जो है साफ़ सुथरा रहे, अच्छा पहने। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है कि फरमाया कि हदीस पाक में इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं। ऐसा माशाल्लाह क्यों फरमाया गया कि आप बालों को आयल लगाना सुन्नत है, दाढ़ी को अपनी केयर करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस इंसान को देखते थे कि वो अपनी दाढ़ी की केयर नहीं कर रहा और हद से तजावुज़ बढ़ाई हुई भी है और केयर भी माशाल्लाह नहीं करते, तो आप वहीं पर अपने सामने खड़े होकर उसकी दाढ़ी की उसकी बेहतरी करते थे कि आप इसको अच्छा प्रॉपर इसको सवार के इसको सजाएं, और ये सुन्नत है ऐसे सजाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे तो माइंड में आ रहा है अगर कोई मुकाबला हुसन हो मुफ्तियों का या जो हमारे मौलवी हजरात हैं जो उलमा हैं तो ये जीतने वाले हैं मुफ्ती AR रहमान साहब, मुझे ये लगता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ बांटने की तौफीक आमीन दे और सुम्मा मोहब्बतें आमीन। बांटने की तौफीक दे। आपकी इतनी यंग एज है और आजकल के जो नौजवान हैं वो नहीं चाहते कि वो जी इस्लाम के बारे में पढ़ें, एज सच के मदरसे में जाएं और PhD करें इस्लाम में, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इतनी यंग एज में आपने PhD भी कर ली है, इतनी किताबें भी आपने पढ़ ली हैं और आप विजिट कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी इसी तरह से आप आए हैं कि एक मोहब्बत फैलाएं, क्या आपकी मोटिवेशन थी? थैंक यू सो मच। एक तो ये है कि मेरा PhD कंटिन्यू है, MPhil हुआ है ऑल रिलीजन्स में, और वो ये था कि बचपन से हमने देखा कि एक इंतहा पसंदी हमारे रिलीजियस सेक्टर की तरफ से आ रही थी। लेकिन मैं बहुत मशहूर हूँ ऐसे सूफिया इकराम का जिन्होंने सॉफ्ट अंदाज में दीन को पेश किया, और जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की फ़लासफ़ी है। और फिर ये जो मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ, फिर कुरान पाक का हिफ्ज़ करना, फिर माशाल्लाह से इलम का कोर्स करना, फिर MPhil भी और फिर मुफ्ती का भी कोर्स करना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रैंड मुफ्ती ऑफ बादशाही मस्जिद मुफ्ती सैफुल्ला खालिद निज़ामी साहब का कि उन्होंने मुझे MPhil और मुफ्ती के कोर्स में खुद सरपरस्ती की मेरी, क्योंकि वो खुद ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे थे पिछले 20 साल से बादशाही मस्जिद से अटैच होके, और इंटरफेथ हार्मनी पर काम कर रहे थे स्पेशली वुमेन राइट्स पे। तो मैंने ये देखा है कि रिलीजियस सेक्टर के में और बाकी सिविल सोसाइटी में काफ़ी खला था, और उस पर मैंने रिसर्च किया कि इस खला को कैसे पूरा किया जा सकता है। इस पर ही मैंने कम से कम 10 साल लगाए थे कि माशरे के चैलेंजेस क्या हैं और हमारे रिलीजियस सेक्टर के जो उलमाए कराम हैं ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि खला को पूरा नहीं किया जा रहा, तो मैंने चाहा कि मैं इस कदम को आगे बढ़ के इस खला को पूरा करने की कोशिश करूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड में कदम अच्छा रखा। मुफ्ती साहब, आपने खला की बात की है कि खला है जिसको ख़त्म करना है, तो आप ये बताएं कि खला स्टार्ट कब से हुआ? देखिए, जब से आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो ज़माना मुबारक है, आपका जो मिजाज मुबारक है दीन फैलाने का,
जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम आगे इस खूबसूरत दीन को, जो खुशियों भरा, आसानियों भरा दीन है, उसको नहीं पेश कर सकते। हमज़ा, मैं आपको बताऊं कि आप सरकार के ना 40 साल आपके अखलाक मुबारक थे और 13 साल आपने ईमान की मेहनत फरमाई। ईमान पर ईमान बिलगैब था और आप पर दुरूद पाक पढ़ा जाता था। हिजरत के दूसरे साल रोज़ा व ज़कात फ़र्ज़ हुआ, तीसरे साल जहाद फ़र्ज़ हुआ, चौथे साल शराब मना की गई, वो भी एकदम मना नहीं की गई, 3 अलग अलग मौक़ों पर मना किया गया। एक मतलब हुक्म आया कि आसमान से कि शराब में बुराइयाँ भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं, अलबत्ता बुराइयों का तनासुब ज़्यादा है। बस इतना हुक्म आया और साथ ईमान की मेहनत हो रही थी। फ़िलासफ़ी ये है दीन के कि तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरआन। सहाबा इकराम पहले ईमान को सीखा, फिर कुरान पाक में, फिर कुरान पाक में अहकाम है और कुरान पाक में भी सिर्फ 500 आयत मुबारक में अहकाम है, बाकी सारा ईमान को खोला गया है। फिर हुक्म आया कि जब आपने शराब की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के लिए ना आए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप खुदा के सामने क्या बात कर रहे हैं। फिर भी साथ ईमान की मेहनत हो रही है उनकी ईमान की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। सहाबा इकराम फिर भी आते थे और फिर एक वक्त आया कि जब उनकी ईमानी इस्तेदाद बढ़ गई तो फिर हुक्म हुआ कि हाँ, अब आपको मना किया जा रहा है कि आप शराब नहीं पिए। 5वें साल पर्दा आया और पर्दा की भी अहले इल्म ने कुरान पाक से 2 किस्में लिखी हैं। एक तो वो फुल हालात की तनासुर में फुल अपने आप को ढांपते हैं और दूसरा जो कम से कम जो फर्दे का किस्म है अदना, जिसको कुरान पाक में मेंशन किया गया है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपनी जीनत की जगह को छुपाएं, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जो ओपन है, ज़ाहिर है, उसमें चेहरा और हाथ और पाँव के अलावा छुपाने फ़र्ज है। 5वें साल पर्दा आया और हिजरत अलविदा से पहले सूद का मना किया गया, तो स्टेप बाय स्टेप ये दीन को पेश किया गया। तो 1400 साल के बाद हम लोग जहालत में 14,000 साल पीछे जा चुके हैं। तो अब जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो फ़िलासफ़ी थी वो यही थी कि लोगों की ईमानी क्वालिटी को बढ़ाते हुए दीन पेश किया जाए, ना कि नाफिस किया जाए, और ये एक सूफिया इकराम का और अम्बिया का मिशन था। अब बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने स्टार्ट से लेके एक पूरी बैकग्राउंड आपने बता दी है। अभी हम बात कर रहे थे कि आप काम कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी पे, तो मेरे जहन में बड़े सवाल आते हैं कि जी, जैसे हम आजकल के दौर में देखते हैं, जैसे इसराइल के लोग हैं जो यहूदी हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि बाकी जो लोग हैं उनसे वो थोड़े से ऊपर हैं, ठीक है, एक ये डिफरेंस आ गया, तो उनके साथ हम किस तरीके से डील करें? अगर एक बंदा खुद ये कह रहा है कि यार हम आपसे अफजल हैं, उनको लगता है कि हमारी किताब ये कहती है, हिंदुइज्म की हम बात करते हैं तो उनका बिल्कुल जो बेसिक अकीदा है वो हमसे डिफरेंट है कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं और वो 2, 3, 4, तो किस तरीके से हम इनके साथ हार नहीं कर सकते? थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। देखिए, एक तो पुराने पाक में बहुत खूबसूरत असूल दिया गया है कि कुलिया अहलल किताब तआलु इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, के ए नबी जी, आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, आए हम उस बात की तरफ जिसमें हम और आप यकसा हैं। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, हम एक खुदा को मानते हैं और हम उसी खुदा को मानते हैं जिस खुदा को आप मानते हैं। तो अहले किताब को इत्तेहाद पर, जोड़ पर दावत दी गई है। एक आलिम दीन ने लिखा कि इस एक पॉइंट पर इत्तेहाद करना फ़र्ज़ है अहले किताब से। जहाँ तक आपने हमारे हिंदुइज़्म की बात किया, तो हमने भगवद गीता में पढ़ाई गई, हमारी यूनिवर्सिटी में जो तमाम मज़ाहिब के जो मुस्तनद स्कॉलर्स होते थे वही आके हमें पढ़ाते थे। तो जिन्होंने हमें भगवद गीता का पढ़ाया, प्रोफेसर शर्मा भूमा साबिर, अच्छा, नास उनका नाम है, तो और उन्होंने फरमाया कि भगवद गीता से अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20-21 में लिखा है कि जो लोग हकीकी भगवान को छोड़कर, जो आसमानों के ऊपर है खुदा, अपनी बनाई हुई चीज़ों से शरण लेते हैं, फरमाया कि इनको ये चीज़ें अता नहीं करती, उसको उनको वही अता करता है जो आसमानों के ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ तक कि वो कुलुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद पर पूरा यकीन रखते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो भी तौहीद की दावत देती है, लेकिन लोगों तक वो बात नहीं पहुँच रही। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो टीचर थे भगवद गीता के, उन्होंने, हम उनसे ये सवाल किया करते थे कि जब इतना खुदा एक है और तौहीद का कॉन्सेप्ट है, तो फिर इतने बुत, तो फिर हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें
बताया कि जैसे आपके यहाँ फरिश्ते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अच्छा, 33 करोड़। हाँ, आपके यहाँ जैसे फरिश्ते हैं कि कोई बारिश बरसाता है, कोई रूह कब्ज करता है और कोई खुशियाँ बांटता है, तो हमारे यहाँ देवी देवताएं हैं और हम उसी खुदा को छोड़ के हम डायरेक्ट उन देवी देवताओं से मांगना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में। अच्छा, जैसे कि आप मुसलमान जो है दरबारों में और दरगाहों में डायरेक्ट उन बुजुर्गों से मदद हासिल करने के लिए दरख्वास्त करते हैं। तो ये क्योंकि हम भी हिंदुस्तान से यहाँ पर शिफ्ट हुए, और तो ये हमारे जो प्रोफेसर थे वो ये बात किया करते थे। तो ये देखिए, मज़ाहिब की जो किताबें हैं वो हमें जोड़ती हैं, और ताकि हम यकसानियत पर आ जाएं और जोड़ पर आ जाएं। और मेरा फोकस इसलिए ये है कि इंटरफेथ हार्मनी पर, कि हम ह्यूमन राइट्स के जो मसले हैं, ख़ासतौर पर वुमेन राइट्स के जो इश्यूज हैं, उसको मैं एड्रेस कर सकूँ और उसको सोल्यूशन बेस में मैं काम कर सकूँ। अच्छा, आपने बात की अभी वुमेन राइट्स की बात की, तो चलिए इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि काफ़ी मूवमेंट चल रही है आजकल, बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे मी टू मूवमेंट हो गई या औरत मार्च जो स्टार्ट हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि औरत मार जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी ख्वातीन है उनकी? देखिए, जो हमारी ख्वातीन के जो रियल इश्यूज हैं उसको तो एड्रेस किया ही नहीं जा रहा, जो कि उनका राइट था, और वो दोनों तरफ इंतहाएं हैं। मैंने देखा कि जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं वो दूसरी इंतहा पे चले गए, और हमारे जो दूसरे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो दूसरी इंतहा पे चले गए। इन दोनों को मिल बैठ कर जो है, जो रियल इश्यूज हैं हमारे, जो 1400 साल पहले आप सरकार ने जो राइट्स दिए थे ख्वातीन के, उसको अमल पैरा कराने की ज़रूरत है। अच्छा, इस पर मुझे बड़ा वाक्य याद आया, तकरीबन ये 1-2 साल पहले की बात है। जैसे आपने बात की ना कि दोनों इंतहा पे हैं, जो हमारे यहाँ पे लिबरल्स हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो भी एक इंतहा पे हैं, और जो हमारे उलमा हैं या मौलवी हज़रात, वो एक इंतहा पे हैं। हुआ ये था कि एक वाक्य ये हुआ कि इस्लामाबाद में औरत मार्च हो रहा था, ठीक है। अब आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन वहाँ पर कुछ मजहबी लोग आए, उन्होंने पथराव स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये 2 साल पहले की बात है इस्लामाबाद में, जी ठीक है, और पथराव स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ से वो लोग चले गए, जख्मी हो गए कुछ औरतें भी। तो इतना इस हद तक जो है ना एक्सट्रीमिज्म है, उसके बाद किसी मौलवी ने, किसी उलमा ने, मोस्टली किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, ठीक है। एक तरफ इनकी इंतहा हो गई जो हमारा मजहबी सेक्टर है, और दूसरी तरफ ऐसे होता है कि जब फॉर एग्जांपल इंडिया में होता है कि किसी औरत को पर्दा नहीं किया, नहीं करने दिया जा रहा, या यूरोप में एक पर्दा किसी औरत का फाड़ दिया गया उस पर, हालांकि वो भी औरतें हैं, तो उस पर ही हमारे जो हमारे यहाँ पे जो फेमस जो लोग काम कर रहे हैं वुमेन राइट्स के लिए, वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो दोनों तरफ से एक बायस्ड एक बिहेवियर मुझे फील होता है। आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कुरान पाक में इस इंसानियत को वजअलना को उम्मतों वास्ता कहा गया, कि दरमियान की इतदाल की बात करें, फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, कि हमेशा इतदाल और दरमियान की बात करें। जो ख्वातीन के जो जो राइट्स हैं, उनके डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और उनको यानी 70% घरों में ख्वातीन का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आपको लगता है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का है डोमेस्टिक वायलेंस का? क्योंकि हमें तो ये सुनने को मिलता है कि ये पूरी दुनिया का ये एक मसला है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सभी का है। और इस्लाम वो पहला दीन था जिसने निकाह के ताल्लुक को कोई आका नहीं, कोई ग़ुलाम नहीं, दो आज़ाद इंसान के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाह का। जैसे बिजनेसमैन दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी बात पे, MOU साइन करते हैं, और उनके जुदा होने के भी तरीके होते हैं, इसी तरह इस्लाम ने वज़ा किया। और इसको अहले इलम इस बात पर ज़रूर गवाही देंगे मेरी इस बात पर कि मिल के रकबा पहले कहलाता था, कि ख़रीदना होता था, जैसे बच्चों को ख़रीदना, ख़वातीन को ख़रीदना पहले ज़माने में। इस्लाम के आने के बाद मिल के बिज़ा कहलाता है, कि आप मिलके उनके मालिक नहीं हैं, आप उनके साथ मखसूस तरह के मनफियत और सुकून हासिल कर सकते हैं, ना कि आप उनको मारते रहें और तोड़ते रहें। ठीक है, तो ये असल में अहले इलम पर चैलेंज है कि वो बाहर आएं और ख्वातीन और ह्यूमन राइट्स की पर काम करें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि ये लोग आके हद से तजावज़ करें। इसमें मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आती हैं
कुरान में भी ये कहा जाता है कि मर्दों को औरतों पे फजीलत है, तो वो आप बताएं वो किस सेंस में है, अगर आप बात कर रहे हैं कि जी बराबर हैं दोनों। ऐसा है कि कुरान पाक में फरमाया गया अर्रिजाल कव्वामून, ये ऐसा नहीं कि वो ताकतवर है उसको मारता है, नहीं ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ताकतवर इसलिए कि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, ठीक है ना, ठीक है। और आलन निसा ख़वातीन कमज़ोर हैं, उनको आसानियां दी गई हैं उस हिसाब से, तो ये उस हिसाब से अच्छा ताकतवर इसलिए कि उसको ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत तरीके से जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, ठीक है उनकी हेल्प कर सकता है ख़वातीन की, ठीक है। हकूक दोनों के बराबर और हैं, हकूक दोनों के लेकिन जो राइट्स हैं जिम्मेदारी है उसमें उसको जी, जो उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है और जो ख़वातीन है उनके लिए आसानी दी गई है। हाँ, तो हमने कम किस्मती से इस आयत को हमने ये समझा कि मर्द ज़्यादा ताकतवर है कि ख़वातीन को इस्तेसाल करें उनका, या उन पर तशद्दुद करें, या अच्छा उनके हकूक तलफ ठीक है। करें, ये नहीं है। इसमें एक आयत ऐसी भी है जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी बीवी को हल्का सा मार सकते हैं कि उसको दर्द ना हो, कोई इस तरह की भी आयत है या उसका मफहूम है, थोड़ा सा आप गाइड करें इसमें क्या। हमारे यहाँ पे क्योंकि रिसेंटली जो कानून बन रहा था उसके खिलाफ काफ़ी उलमा खड़े हो गए थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस पे जो कानून बना था, वो कहते थे कि बिल्कुल, जी मुझे याद हमें तो है, परमिशन है जी आप मार सकते हैं, तो आप कैसे बना रहे हैं कानून। बिल्कुल ऐसा ही है कि 2017 में ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक कानून पास हुआ था कि जो भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे तो उनको कड़े लगाए जाएंगे। तो इस पर वाकई में मज़हबी और बाकी सियासी जो लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों का माशरा है, तो और इस इतबार से उन्होंने ये किया कि नहीं, ये पॉइंट अभी उनका ये था कि अगर अगर इनको रोक देंगे तो डाइवोर्स बढ़ जाएगी, यानी कि मर्दों की इसलाह नहीं कर सकते, उल्टा उनके सामने हथियार डालने वाली बात थी। तो अहले इलम के लिए चैलेंज था, लेकिन खैर हमने बादशाही मज़े से अटैच होके हमने स्टैंड लिया, और ख़वातीन के राइट्स के एतबार से अब पाकिस्तान में 24 घंटे एक ऑनलाइन मुतारिफ करवाई गई ठीक है, है 1043 के नाम से है, कि उसका पंजाब में मुल्तान में भी सेटअप है और लाहौर में भी। किसी भी खातून को कोई इशू होता है वो फ़ौरन उस पर कॉल करती है और कानूनी तौर पर उनकी मदद की जाती अच्छा है। मुफ्त साहब, ये जो इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का कि हमारे यहाँ पे जो मर्द हैं उसको लगता है कि बीवी जो है ना उसकी गुलाम है और उसका मालिक है, इसकी क्या वजह है, हमारे कल्चर में कोई इशू है? क्योंकि हम देखते हैं कि यूरोप में हम देखें वहाँ पर लोग, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें यूके बिल्कुल में या नॉर्वे जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर तो बड़ी सख्त सज़ाएं हैं इस चीज़ की, तो ये हमारे कल्चर में चीज़ है या हमारे ब्लड में है, ये क्या है? क्योंकि बिल्कुल, ये इस्लाम का कल्चर में सहारा इस्लाम का लेते हैं कि जी इस्लाम ने हमें परमिशन दी है। नहीं, इस्लाम ने परमिशन कहीं भी कुरान पाक में ये मेंशन नहीं है कि आप उनको मार सकते हैं, और इवन के जिन साहिबान ने जो जिक्र किया है कि आप उनको कोई मिसवाक तक मार दिया, ये अलामती तौर पर बात की गई है। और कुरान पाक में एक जगह फरमाया कि वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि आप उनको मारते हैं, मारते मीन्स के किसी बात को मारना, किसी बात को फेंकना होता है, एक इसका तर्जमा ये भी अच्छा है मतलब कि आप कोई बात उनको फेंकते, कोई बात कहते हैं कि आप ये बात क्यों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना किसी के मुंह पे बात मारी मैंने, ये अच्छा। उस कॉन्टेक्स्ट में बात थी। तो ज़रबा का मतलब है कि फेंकना, मारना, कोई बात मारना। तो इंतहाई अफसोस के साथ हमारे दीन को हर चीज़ को इंतहा दर्जे पे जाके प्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से हमारा माशरा इंतहा पसंदी की तरफ चला गया। और बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इंतहाई अफसोस के साथ के मनफी सोच में हमारे माशरे में बगैर डिग्री के हम आम आदमी को PhD कराई गई है, तो बिल्कुल इसके हम कसूरवार हैं और हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ताकि हम इंसानों के हकूक के लिए काम कर आपको लगता सकें। है कि जो भी हालात चल रहे हैं, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, हम ओवरऑल जितने मसाइल चल रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो हमारे जो मजहबी सेक्टर है वो इसका जिम्मेदार है फिर तो? बिल्कुल, हमें ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और क्योंकि नवाए वक्त की रिपोर्ट है कि 20% नौजवान एथिस्ट हो चुके हैं। अच्छा पाकिस्तान में बिल्कुल, क्यों, सिर्फ वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, और क्योंकि उनको मुर्तद का होने का वो कर दिया जाएगा उनके वहाँ हाथ में से। मार दिया जाएगा। हाँ, और मुर्तद की सज़ा कुरान पाक में कत्ल नहीं है,
अच्छा, जी ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनका ज़माना के मैं पेश करता हूँ कि उनके बारे में कितना कहा जाता है कि वो जो है उनके ज़माने में एक साहब थे जिन्होंने वो मुर्तद हो गए थे, तो उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा और मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि कितने सख्त थे, तो उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा तो और उनसे जाके मुकालमा करें, उनसे बात करें, और तो उन्होंने उस पर बात की कि आपके क्या तहफ़ुज़ात हैं जिसकी अच्छा, वजह से आप जो है ये आप वाक्या मतलब प्रूवन है, बिल्कुल इसके मुस्तरद रेफरेंस वाक़ मौजूद है, हैं। बिल्कुल वाक़ है। वो डेलीगेशन गया तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरी दो ही शर्तें हैं कि खलीफा अपनी खिलाफत मुझे दे और दूसरा मुझे बेटी का निकाह भी दे। तो जो लेके गए थे इस डेलीगेशन को उनके पास भी कुछ इख्तियार थे और उन्होंने कहा कि बेटी का निकाह तो हो सकता है, जहाँ तक खिलाफत का ताल्लुक है उस मामले में मशवरा होगा, कौमी मामला है, और उसमें अगर तय हो गया शूरा ने तो फिर आपको जो है हो सकता है। मतलब एक जो बंदा जो मुर्तद हो चुका है उसके उसको साथ पीस, से। हाँ मुकालमा, पीस डायलॉग, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी का तो हो सकता है और बाकी हम जाके मशवरा करते हैं। वापस आए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास, वो पूछा कि क्या हुआ, उन्हें कहा जी वो दो शरायत रखी हैं, एक तो बेटी के मुझे बेटी किसी भी बेटी के साथ मेरा रिश्ता हो जाए। तो हज़रत उमर ने पूछा कि आपने क्या कहा, उन्हें कहा कि हमने ये कहा कि हो सकता है, आपने फरमाया कि अच्छा कहा। सेकंड क्या शर्त थी, सेकंड ये थी कि खलीफा अपनी खिलाफत भी मुझे दें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पूछते हैं कि आपने क्या कहा, तो उन्हें फरमाया कि हमने ये कहा तो ये तो कौमी मामला है, इसमें मशवरा एक होगा, की बात होगी। बात होगी, अगर उसमें डिसाइड हो गया तो हम आपके बारे में। आप हमज़ा भाई आप हैरान होंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैंने क्या करनी है खिलाफत, उनसे कहे खिलाफत भी ले वापस आए। मैं आपको अर्ज़ करूँ इसी पर ही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद दीन पर नहीं थे, तो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान से मुकालमा करते हैं, ना कि मुनाजरा करते हैं। मुकालमा क्या है कि या अबति फ़अल मा तुमर, ए मेरे प्यारे बाबा जान, ऐसी बात करते हैं। इसी तरह खुद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू लहब, आपने उनको कत्ल नहीं किया, खुद आयत मुबारक नाजिल हो गई कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, के टूट जाए इनके दोनों हाथ और है ना, तो और हलाकत में चले जाएं, लेकिन आपको हुक्म नहीं था कि आपने इनको कत्ल करना या मारना है। दीन का कॉन्सेप्ट यह है कि हर सूरत इंसानों को करीब किया जाए और उनको मायूस ना किया जाए। कि मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल कम्युनिटी सेंटर की तरह ठीक है, है। इसमें इंसानों के मसले हल किए जाएं, जो जो घरों के जो मसले हैं वो लोग आए अपने मसाइल हल करें। तो ये दारुल इफ्ता सेंटर में तो किसी न किसी हद तक ज़रूर मौजूद है, लेकिन आम मस्जिदें सोशल कम्युनिटी सेंटर नहीं रही ठीक हैं, है। दाही अफसोस के साथ। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तमाम मस्जिद ले लें, बाहर भी लोग अगरचे 5-7 ही ज़्यादा लोग होते हैं हर नमाज के बाद बाहर, ख़वातीन बच्चे सवाल कर रहे होते हैं। मैं इस पर एक इंतहाई अहम बात पेश करना चाहता हूँ, कोई ऐसी कमेटी हो जो इनके तहकीक करे और इनकी हेल्प करे, इनको स्किल सिखाएं, ताकि माशरे में मांगने का जो, सवाल करने का जो है ये इतनी भयानक बात है। मैं आपको दो वाक्य सुनाना चाहता हूँ हमजा भाई, आप हैरान होंगे कि वो गांधी साहब के बारे में कहा जाता है। उनके सामने एक साहब आए और सवाल करने लगे, मुसलमान थे, तो और उन्होंने काबीना के जितने लोग खड़े हुए थे उन्होंने सबको कहा कि भाई जितना हो सके इनकी मदद कर दें। सब ने अच्छी खासी मदद की कि इस मुसलमान के लाइफ टाइम के काफ़ी मामलात हल हो जाए। बेहतर हो गए। ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक हिंदू आया, उसने आके सवाल किया, तो गांधी साहब ने उसको ज़ोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया और अच्छा। कहा कि, लोगों ने कहा सर आपने तो मुसलमान की तो हेल्प कर दी थी, इनको आपने, मैं उन्होंने बड़ा एक तारीखी एक जुमला कहा, उन्होंने कहा मुसलमान भिखारी बने हिंदू क्यों। अच्छा एक यहाँ की ये सोच है, अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद आमीन करे, वो सुमा। शहीद हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह,
के ज़माने में अहले यहूद में से एक साहब सवाल करते फिर रहे हैं। तो आपने फरमाया भाई इनको बुलाएं, ये कौन है? तो उसने कहा जी मैं यहूदी हूँ, मैं जवानी में तो मैं कमाया करता था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमा नहीं सकता, तो मैं इसलिए मैंने मांगना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बैतुल माल से उसका वजीफ़ा जारी किया और फरमाया कि आपको हर महीने आपको बैतुल माल से वजीफ़ा मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी स्टेट में कहीं भी आपको सवाल करते हुए हम ना देखें। अब इसमें मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अगर मस्जिद का इमाम अगर वो कशकोल लेके बाहर फिरेगा तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी कशकोल लेके दुनिया में फिरेगा। तो ट्रेंड तो हमने सेट करना था, सोशल मस्जिद कम्युनिटी सेंटर होता है इसमें जो आम तौर पर जो सवाल करने वाले आते हैं, तो कोई हर मस्जिद की कमेटी बनी हुई है। इंतहाई अफसोस के साथ हमजा कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जो आने वालों को वेलकम करे, उनके हालात की तहकीक करे। खवातीन बेचारी, अगर मस्जिद से ही मसले हल नहीं होंगे लोगों के तो कहाँ से मसले हल होंगे? लोगों को स्किल सिखाए जाए, उनको महाना वजीफा दिया जाए, तो ये मस्जिद अनफॉर्चुनेटली वो सोशल नहीं रही, और जिसकी वजह से माशरा हमारा दीन के हवाले से भी जो हकूक लिबाद था 100% जो उसको मैं पेश करना चाह रहा था, 100% जो हकूक लिबाद दीन है उसको हमने पेश नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। बहुत प्यारी आपने बात की हकूक लिबाद की, तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है दो शादियों के बारे में या तीन या चार के बारे में, क्योंकि ये भी हकूक में ही आता है कि आपकी जो बीवी के आप पे हकूक हैं। अब इसमें बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन इस्लाम में तकरीबन मोस्टली जो उलमा है वो ये कहते हैं कि शादियाँ ज़्यादा करनी चाहिए, दो हो जाएँ, तीन हो जाएँ, चार हो जाएँ। इवन पाकिस्तान में आप देखते हैं आजकल बिल्कुल अंदाज़ा है और यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? जब सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब तक मौजूद थी, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं फरमाई थी। अच्छा, ऐसे खैर वो वाकयात हैं, लेकिन असल में ये इस सवाल पर ना हमारी जो सोसाइटी है वो दोनों इंतहा पर दर्जे का शिकार है। यानी एक तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आप तीन करें, चार करें, बिल्कुल करें, इजाज़त है कुरान पाक में, और लेकिन इस पर जो अहले इलम ये बात फरमा रहे हैं कुरान पाक की, उनको ये भी बताने की ज़रूरत है और लॉ बनने की ज़रूरत है कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करता है या तीसरी करता है, तो अगर उन्होंने बुनियादी फला फला हकूक पहली वाइफ के अदा नहीं किए तो स्टेप बाय स्टेप उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। पहली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले, कुरान पाक इखलाक और कानून की किताब है। तो बात यह है कि हम चूँकि मर्दों का माशरा है, दूसरी शादियों को प्रमोट तो कर रहे हैं, अच्छी बात है ख़वातीन का एहसास करने के लिए, जो पहली ख़वातीन को जो और बच्चों को उनके जो हकूक नहीं मिल रहे, तो उसकी सज़ा का तायुन कौन करेगा? उसकी सज़ा का तायुन पहले करना चाहिए, उसके बाद जाके जो है इस तरह की बात करनी चाहिए। और तो यही है कि शौर फैलाने की, पहली वाइफ को हम इतना राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तो अहले इल्म जो तीसरी शादी की या दूसरी शादी की बात करें उन पर लाजिम है कि पहले उनके हकूक उनका तहफ़ को बरकरार रखें, उनको सेफ्टी मिले, फिर वो नेक्स्ट के लिए प्लान करें। तो लोग दो दो तीन दिन कर रहे हैं लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और इससे काफ़ी हकूक की तलफी होती है, जिसकी वजह से इस पर सवाल उठता है जो कि हम लोग उसका सोल्यूशन पे हम बात नहीं कर रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन पेश कर सकूं। जी बड़ा, तो वो जो मैं निकाह पढ़ाता था और उसमें ना नफका के बारे में मैं बेसिकली उनसे सवाल करता था कि अच्छा, उसमें घर की जो मामलात की जो जिम्मेदारियाँ हैं, कस्टोडियन है बेसिकली जो मर्द है और निगहबान है, ख्याल करने वाला है, तो इसमें हक है अपनी लाइफ पार्टनर का कि उसको पॉकेट मनी जेब खर्ची भी देनी है। बल्कि एक साहब ने जो मुझे कॉल करके जो कहा, उन्होंने कहा कि नहीं बस हम उनको खाना अच्छा दे रहे हैं, अच्छी रिहाइश दे रहे हैं, बस काफ़ी है ना। तो यानी बिल्कुल वो वाली बात जो है, हम एनिमल्स के हम उनको अच्छा घास दे रहे हैं और अच्छी छांव वाली जगह दे रहे हैं, नहीं, हर इंसान की ज़रूरियात हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें काफ़ी काम होने की ज़रूरत है, इसीलिए ही मैंने मुफ्ती का कोर्स किया है, ताकि जो दीन शऊर देता है, खुशियाँ देता है, हम उसको तो बांटें। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि आपके जो एक मोटिवेशन है
कि पॉजिटिविटी फैलाई जाए दुनिया में, इंसानों के जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन ग्राउंड है, उसकी बेस पे सारे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है? क्योंकि आपका मज़हब डिफरेंट हो, आप किसी और खुदा को मानते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक मसाइल हैं वो सेम है, हमारे सोशल इश्यू सेम हैं, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, डोमेस्टिक वायलेंस सबका इशू है, ठीक है? वुमेन बेशक एम्पावरमेंट की सबको ज़रूरत है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ये बताइए कि आप काफ़ी मॉडर्न मुझे लग रहे हैं, माशाल्लाह आपकी लुक्स बड़ी अच्छी हैं, जो टैटूज़ बनवाते हैं इस्लाम में, हमें ये बताया गया कि जी बिल्कुल अलाउ नहीं है टैटू बनवाना, अगर आप बनवाते हैं तो आपकी नमाज़ भी कबूल नहीं है, आपका जो कुरान पढ़ते हैं वो भी नहीं कबूल, कुछ लोग किसी और मज़हब से कन्वर्ट होके आए हैं, इसके बारे में इस्लाम क्या कहते हैं? देखिए, ये कहना बहुत सख्त बात होगी कि आपकी नमाज कबूल नहीं है, आपकी दुआ कबूल नहीं है। ये बात इस तरह से कहीं भी नहीं लिखी हुई। सिर्फ इस हद तक मना किया गया कि जो टैटूज बनाते हैं उससे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, या शिर्क की कोई बात लिखी हुई है उस हद तक मना है। और लेकिन टैटूज में आमतौर पर लोग किस लिए बनाते हैं, मैं आप ही से सवाल करता हूँ। कोई आपकी जो हॉबीज होती हैं मोस्टली लोग उस पे बनवाते हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है। मैं समझता हूँ कि लोग इस बात का ताल्लुक वो तस्वीर के साथ भी आ जाता है कि वो इस वजह से बास हमारे अहले इलम मना करते हैं कि जी वो टैटू बन गया तो तस्वीर आ गई, तो तस्वीर का माना पूजा का कॉन्सेप्ट आ गया। जबकि मैं इसी के अंदर मैं बात शेयर करना चाहता हूँ एक अहले इलम के सामने और तमाम इंसानों के सामने एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी है, जो दूर मैं करना चाहता हूँ तस्वीर के बारे में, कि तस्वीर हराम है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसको जब हम 1400 साल पहले जाते हैं और हदीस पाक को हम गौर से देखते हैं, तो फरमाया गया कि आयशा, जिस घर में तस्वीर होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और क़यामत के दिन कहा जाएगा कि इसमें रूप होंगे। अच्छा, हकीकत से इसका ताल्लुक जब हम देखते हैं तो कुछ और है। यानी लोग तस्वीर बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। आज हमारे माशरे में कोई 100 में से 1% मुसलमान भी हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तस्वीर इसलिए बना रहे हैं इसकी हम पूजा, कभी कभी हम पूजा भी कर लिया नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ये कम किस्मती ये हुई है कि हमने वो, अच्छा क़यामत के दिन कहा जाएगा कि इसमें रूप होंगे, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई थी, कॉन्सेप्ट ये था। और हमने कहाँ से कहाँ बात फिर गया, हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा हमने गिरावट और नैरो माइंडेड सोच को इस्तेमाल किया। तो टैटूज का भी यही है, अगर कोई पूजा की नीयत से बना रहा है तो वो उसकी नमाज नहीं होती, उसको नाजायज है। अगर वो वैसे बना रहा है तो इसकी मतलब इसको यानी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये उसने गुनाह किया, मीन्स के मतलब वो खुदा का दुश्मन बन गया, ना ऐसा नहीं है। उसकी दुआ भी कबूल होनी है। दुआ तो इंसान जैसे भी मांगता है खुदा सबकी कबूल करता है। मैं आपको एक खूबसूरत बिल्कुल वाक्य सुनाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो देखा एक इंसान अकेला बैठ के खुदा से बात कर रहा है कि या खुदावन, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं आपके सर की मालिश करूं, मैं आपके पाँव की मालिश करूं, और या अल्लाह ताला ऐसी मालिश करूं कि आप याद करेंगे किसी ने मालिश की है। अच्छा तो मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो जलाल में आगे कहा कि अच्छा, आपने खुदा को क्या समझा क्या हुआ है? तो वो सहम गया, मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए तो अल्लाह ताला फरमाया कि मूसा, मैंने आपको भेजा था कि लोगों का ताल्लुक मेरे साथ जोड़ दें, आपने उल्टा तोड़ दिया। तो ये जो सख्ती वाली बात है ना कि फलां की दुआ कबूल नहीं हुई, फलां, देखें मैं इस पर एक और रुख से बात सुनाना चाहता हूँ। एक नौजवान आए, क्योंकि हम यूथ पर ज़्यादा काम कर रहे बिल्कुल हैं और आप भी माशाल्लाह से हमारी टीम का हिस्सा है। नौजवान आए, नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी और अदा करके जा रहे थे, तो बुजुर्ग एक खड़े हो गया और देखा कि मैं उसे पूछता हूँ कि आपने पढ़ा क्या नमाज में। वो बड़े रोब के साथ उसको खड़ा करते हैं, नौजवान आप ही बताओ बेटा आपने क्या पढ़ा है, तो नमाज क्या पढ़ा है आपने? तो वो नौजवान कहता है कि मैंने नमाज पढ़ी नहीं है, मैं सिर्फ ये हाजिरी देने आया था कि अल्लाह मैं बागी नहीं हूँ। ओहो वो बुजुर्ग खूबसूरत कांपने बात। लगे कि ओए खुदावन, मैं इनको क्या समझ रहा था और ये किस लेवल की बात कर गया है। तो हमें बदगुमानी नहीं रखनी ये चाहिए। बात आपकी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जज़ाकअल्लाह। हम कैसे दूसरों को जज करते हैं कि हम शायद पता नहीं कितने ही नेक हैं। अब मतलब मैं आपकी ईमान की गवाही देता हूँ कि आप माशाल्लाह इतना ईमान की क्वालिटी रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुबारकबाद है मैं आपके तो लिए। ये सोचता हूँ अक्सर कि जैसे हमारे अमाल है, हमें तो अल्लाह की रहमत ही है जिसने बख्शवाना है, जी
अगर हम इस बात पे आगे कि हम बड़े नेक हैं, बड़ी नमाजें हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली मेरे ख्याल में। जहाँ आपसे ही हम हमने अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, वहीं हम अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू में, जिनके बारे में फरमाया गया कि अन मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बेसिकली मैं इल्म का समंदर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता करें। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या अली, इल्म तो होता ही नाफ़े है, तो आपने बड़ी खूबसूरत इसकी वजाहत फरमाई। आपने फरमाया कि नहीं, इल्म वो है जो इल्म नाफ़े वो है जो उसमें आप में आजजी आ जाए, आप में झुकाव आ जाए, और गैर इल्म नाफ़े वो है जिसमें आप उल्टा गरूर में आ जाए और अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। इंतहाई अफसोस के साथ मस्जिद से जो लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे होते हैं, अब मैंने पाकिस्तान के अक्सर मसाजिद में देखा है, उनके जो माथे पर ना खुशगवार जो एक रौनक होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि वो अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर हैं। तो ये जो रवैया है मुस्कराहट का ना होना, मैं आपको एक खूबसूरत जुमला सुनाऊँ आपको, कि नौजवानों के लिए है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त तबस्सुम और मुस्कराहट हुआ करती थी। हमें तो हमने ये पढ़ा है ना कि स्माइलिंग इज अ चैरिटी, किस मुस्कुराना भी एक सदका है, का नेकी है। है, और आपकी फीलिंग और एहसासात को कितना खूबसूरत बनाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत होती है। अच्छा, फिर आप सरकार कभी कभी सहाबे कराम को इतना हंसाते थे कि सहाबे कराम हंस हंस के उनके पेट में दर्द हो जाता। तो ये बात है कि आपकी शख्सियत इतनी खूबसूरत हो, तो ये जो दीन के नाम पर जो हमने सख्ती फैलाई है कि फलां की कबूल नहीं होती, भाई हम अथॉरिटी रखते हैं क्या? और इस तरह की चीज़ें जो आज जिक्र हो रहा था कि कन्फर्म जन्नती है और कन्फर्म जन्नती नहीं है, भाई हम कौन सी अथॉरिटी रखते हैं? आप यकीन कीजिए, क़यामत के दिन जो हम सबसे सवाल होगा ना, वो इंजील मुक़दस और कुरान और हदीस, तौरा ज़बूर इंजील का खुलासा बयान कर रहा हूँ, बाब मती 25 नंबर आयत नंबर 35 में और कुरान और हदीस मिशकात शरीफ में, सेम अल्फाज के साथ, ए इब्ने आदम, सारे इंसानों से सवाल होगा, मैं भूखा था खाना नहीं खिलाया, ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था पानी नहीं पिलाया, ए इब्ने आदम, मैं बेगुनाह जेल में था आपने आज़ाद ही नहीं करवाया, बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, झूठी FIRें हैं, क्या मामलात? तो हम उनकी मदद नहीं कर रहे और हम खाली नमाजें पढ़ रहे हैं। तो ये दीन का जो रूह थी, जो हकूक लिबाद और इंसानी, तो वो निकल गई। तो इंसान कहेगा, या खुदावंद, ये कैसे हो सकता है कि आप बीमार हों और आप हालत जेल में हों? तो मैं फला इंसान, फला मुसलमान नहीं, फला इंसान मुश्किल में था, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ऐसा था जैसे आपने मेरी मदद। जिहाद हर भले काम की जदोजहद के लिए होता है। इंसान फिट रहता है, अपने आप को मजबूत रखता है, किसी इंसान की मदद कर सकता है, ये भी जिहाद है। किसी के लिए सोचता है, इलम की ये जदोजहद का नाम है, एक पॉजिटिविटी का नाम है, लेकिन उसको हमने सिर्फ तलवार की हद तक सोच लिया, ये बड़ी महदूद सोच की अक्कासी है। बल्कि हमारे उस्ताद तो यहाँ तक फरमा रहे थे कि लफ्ज़ जिहाद को हमने कहाँ तक महदूद करके किस तरह से उसका चेहरा मसख कर दिया। तो अगर इसकी जगह जो रियल अल्फाज हैं गजवात, गजवा वही इस्तेमाल करें, तो अगर हम इतनी भी सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतनी भी हिकमत और इतनी भी यानी रियलिटी बेस में बात नहीं कर रहे, इतना भी हिक, तो हमें दीन के काम करने का हक नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल, जहाँ तो बहुत वसीम माना है। सब चीज़ों पे हमने बात कर ली है, लेकिन एक टॉपिक है जिस पे बात नहीं की जाती पाकिस्तान में, और सवाल भी जो करते हैं उनको जज किया जाता है, वो बात है मौसीकी, म्यूज़िक, और इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। आपको पता ही, हमारे मुआशरे में मौसीकी गाना और जो इस तरह के आलात हैं इनको बजाना, उसके बारे में कहते हैं कि जी बिल्कुल भी हलाल नहीं है, हराम है। और जो आप पैसे कमाते हैं गा के या आलात बजा के, वो भी हराम है, ठीक है। हमारे पास मिसालें हैं, हमारे डिफरेंट जो सिंगर्स हैं वो पैसे कमा के उस काम की चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी सवाल उठता है कि ये गलत कर रहे हैं आप, इसका आपको अजर नहीं मिला। आप बताएं कि इस्लाम जो है एक्चुअली मौसीकी के बारे में क्या कहता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या रिसर्च है इस बारे में। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए म्यूज़िक बजाते हैं कि वेलगैरिटी माशरा उस तरफ जाए तो यकीनन वो ठीक नहीं है। ऐसा कलाम जिसमें लोगों का ईमान ताज़ा हो, लोग सूफ़ी कलाम और इसके अलावा माशरे को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कलाम हो,
तो उस एतबार से ये जितने भी आलात हैं ये स्पोर्टिव मटेरियल हैं। मसलन मैं आपको बहुत अथेंटिक बात करना चाहता हूँ जो कि अहले इलम भी इसमें गौर करेंगे, दफ सब के नज़दीक जायज़ है। हदीस पाक में यहाँ तक लिखा है कि आप निकाह करें तो दफ के साथ और मस्जिद में आप ऐलान करें। आज उसी दफ ने तरक्की की है, आज गिटार बना है। वो एक अलग एक रवैया है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब जहाज़ आया तो इस पर फतवा लगा था कि ये नाजायज़ है, जब घड़ी आई थी तो इस पर फतवा लगा था नाजायज़ है। यानी हर नई चीज़ तनकीद का मोहताज होती है अगर जायज़ ही क्यों ना हो, ये एक रवैया रहा है और मौजूद है। इसी तरह जब ट्रैक्टर चल रहा था तो और उस पर फतवा लगा कि खुदा की ज़मीन में शैतान चल रहा है, ये ऐसा हुआ है। इसी तरह हमारी 150 साल जो तारीख है वो इतनी अच्छी नहीं है, और ख़ासकर दो चीज़ों ने तो बहुत नुकसान दिया कि एक बहुत बड़े जिसको शेखुल इस्लाम का लकब भी दिया गया था उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग बुक्स हैं ये चूंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, जायज़ नहीं है, अच्छा और लिहाजा तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा अरसा मुसलमान तालीमी बुक्स पर महरूम रहे, उसमें तुर्की और भी ममालिक इसमें शामिल थे। तो एक ये हुआ, और दूसरा कहा गया कि जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी बोलेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। जबकि मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ कि जब भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आते थे, कुरान पाक में मेंशन है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, कि अल्लाह ताला उस कौम में नबी बना के नहीं भेजते थे जब तक वो उनकी ज़बान नहीं सीखते थे, और एक सहाबी थे उन्होंने 7 ज़बानें सीखी थी। माशाल्लाह तो हमें अच्छी नीयत के साथ बाकी ज़बानें भी सीखनी है, और बाकी जो आलात हैं इसके ज़रिए से भी हमने ईमान का और भलाई की चीज़ें शेयर करनी है। आपकी बात से मुझे याद आई बात, आपके हम नाम हैं ए आर रहमान जो सिंगर हैं इंडिया के, उन्होंने जब अपना गाना निकाला कुन फया कुन, अब बिल्कुल जो मतलब है इसका बड़ा डीप है, आपको पता ही है, बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कायनात बन जा और कायनात बन गई। बिल्कुल तो सिर्फ ये जो गाना जब हिट हुआ उसके बाद लाखों हिंदुओं ने कुरान खोल लिए, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस बेशक बात से इंस्पायर हो गए। बेशक तो ऐसा आप ही है। मौसीकी को इन आलात को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जब दफ जायज़ है उसी ने गिटार बनाया, सिर्फ हमने बिल्कुल। इनकी रहनुमाई करनी है कि कोई ऐसा कलाम ना हो जिसमें शिर्क हो, जिसमें नामुनासिब और जिसमें इंसानों का और ख़वातीन का इस्तेहसाल होता हो, इसकी हम उनकी इसलाह कर सकते तो हैं। वैसे जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं पियानो गिटार तबला, इस पे आपको लगता है कि ये दफ की ही आगे इसकी किस्म है, कह उसकी लें नई शक्लें ही नई पैदा हुई शक्लें हैं। हैं और हर चीज़ ने तरक्की की है, ये उसी हिसाब से ये चीज़ें हैं। सिर्फ हमारे इस्तेमाल पर है कि हम किस नीयत से क्या चीज़ किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। मौसीकी में आपने बात की सूफीज़म की और इस तरह से आपने बात की, तो रोमांटिक भी तो मौसीकी होती है, इस पे भी मेरे ख्याल में क्या आपकी राय है? जितना भी रोमांस है मियाँ बीवी का, एक 90% जो रिलेशन होता है वो रोमांस पर होता है। बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मियाँ बीवी कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं और आपस में उनकी मोहब्बत बढ़ रही है तो ये इबादत से कम नहीं है। तो इसी तरह हमें हर चीज़ को डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। और किसी बच्चे के हाथ से अगर खिलौना आप खींच रहे हैं तो उसको मुतबादल भी कोई चीज़ देनी चाहिए, तो हमें बताना चाहिए कि ये मियाँ बीवी की मोहब्बत की हद तक है। मैं आपको बताऊँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की शादी हुई, और न्यू शादी थी और उनकी नेक आमाल में कुछ कमी आने लगी, तो और उन्होंने महसूस किया कि नमाज एहतमाम से नहीं हो रहा। उन्होंने फरमाया कि आप अपनी वाइफ को कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दें, अच्छा तो वो छोड़ के आ गए। तो और फिर देखा कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे थे, तो ये अपनी मिसेस की मोहब्बत भी कुछ गुनगुना रहे थे और अच्छा उनकी उनके हवाले से मोहब्बत के अशार पढ़ रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सुना और फरमाया कि उनको वापस ले आइए। तो मियाँ बीवी का जो एक ताल्लुक़ है इसको हम इसी हिसाब से रखें, और बाकी जितने भी शेर व शारी है उसको माँ बाप की मोहब्बत में, बहन भाइयों की दोस्तों की मोहब्बत मोहब्बत में में आपके जो और प्रिय एहसास के रिलेशन से अगर हम शेर व शारी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जितने भी ये चीज़ें हैं, आर्ट है, सिंगिंग है, ये
कवाली, म्यूजिक, जितने भी ये फन लतीफा की चीजें हैं, जी ये मेरे ख्याल में तो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं कि हमारे लिए भी एक नेमत भी हो सकती है अगर हम इनको अच्छे से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और इसको ये हमारे इस्तेमाल पर मुनहसर है। मैंने देखा था कि इंडिया के बच्चे, सुरक्षितर का प्रोग्राम था, बिल्कुल बिल्कुल वो अल्लाहू का कलाम पढ़ रहे थे और हमारे बच्चे अल्लाहू का कलाम नहीं पढ़ रहे थे। तो ये बात है कि हमें हर फील्ड में, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है बच्चों में, वो उनको सूफी कलाम सिखाएं, ईमान का कलाम सिखाएं, और बुज़ुर्गों ने कितनी इसके ज़रिए से हिदायत फैली। तो आपने बड़ी खूबसूरती से आपने सारा बयान किया है। जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे उनके बारे में क्योंकि लिखा भी गया है कि उनको उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, तो वो भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके वो भी मौसीकी के आलात जो है इस्तेमाल करते थे देखिए, और वो दाऊद गाते थे। अलैहिस्सलाम, हर नबी की जो कौम जिस चीज़ की दलदादा होती है, हम मिजाज अल्लाह ताला उसी तरह से एक कौम में उनके लिए नबी बना नबी के बनाते भेजते हैं। हैं, जो उनकी कौम के हम मिजाज होते हैं और वो उनकी नफ्सियात को समझते हैं। दीन के काम करने वालों पर लाजिम है कि वो नफ्सियात को समझें, क्योंकि दीन के ज़रिए से इंसानों को वसूल करना है, ना कि दीन के ज़रिए से लोगों को मायूस करना है। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिरी बात हम करेंगे, अभी हमने मौसीकी की बात की, हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, अक्सर लोग ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट भी करते हैं, उसमें मौसीकी भी होती है, लेकिन कुछ एक तबका है वो कहता है कि शादी बिल्कुल सादा होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ना कोई गुनगुनाना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हदीसें इस बारे में मौजूद हैं कि हमारे नबी ने हुक्म दिया कि शादी अगर हो रही है तो आप बिल्कुल, सियासत की मुस्तरद हदीस है कि आप दफ के साथ, यानी इसके मतलब अनाउंसमेंट करें, ऐलान करें और उसमें आप शादी करें। बल्कि इसी हवाले से मुझे याद आ गया कि आप सरकार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में आप तशरीफ़ लाए, तो अंसार की बच्चियाँ कोई शादी का कोई प्रोग्राम था, तो वो दफ बजा रही थी, अच्छा तो आप तशरीफ़ लाए तो यकदम बच्चियाँ खामोश हो गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो आपने फरमाया कि आयशा, आपको अंदाज़ा नहीं आपने इनको कि ये इनकी रिवायत है, कि तो ये तो शादी का खुशी का मौका है, आपने इनको मना किया। तो इस तरह की रिवायात मिलती हैं ताकि माहौल को आप एक ऐसा बैलेंस बनाएं कि अल्लाह ताला हमें मतलब ख्वातीन को अगर हम रिस्पेक्ट और मोहब्बत और इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे और उनके साथ खुद मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, मसलन खुद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से ये फरमाते थे कि आयशा, जब से मुझे पता चला है कि आप जन्नत में भी मेरी साथ होंगी, तो मेरे दिल करता है कि जब भी मैं जन्नत में जाऊंगा तो मैं खुशी से जाऊंगा, और मेरी खुशी और बढ़ गई है। और दूसरा ये है कि आप जब भी जहाँ से आप पानी उसको पीती थी, जिस गिलास से, तो आप उसी गिलास से उसको मोड़कर आप जो है पानी पीते थे। तो ये मोहब्बत का इजहार के जो भी लवाजमात हो सकते हैं मियाँ बीवी के हवाले से, तो ये तो अच्छी बात है। तो शादी के मौक़ों पर भी इस तरह से, जिसमें वल्गैरिटी ना हो, जिसमें ऐसा कोई गैर महज़ब, जो आप जानते हैं हमारे यहाँ किस किस तरह से एक्टिविटी हो रही होती हैं, फायरिंग हो रही हाँ है नहीं, वो चीज़ या में तो कोई बिल्कुल, और इस तरह की चीज़ें हो, उससे मना किया मतलब गया फजूल है। खर्ची ना हो लेकिन खुशी का इजहार आपको करना एक चाहिए। डिसेंट अंदाज ठीक में है। कुछ भी अच्छा कलाम हो और जिसमें शऊर आ रहा हो और जिसमें इंसानियत हो और उन्स हो, मोहब्बत की बात हो, ये तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अभी आपने मौसीकी की बात की और फिर कुछ गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए, वो सुनना चाहते हैं, माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, तो कुछ सुना दें अपना, कोई जो भी आपको पसंद है। देखिए, बचपन से तो हमने सना खानी बिल्कुल हम करते चले आ रहे थे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि माशाल्लाह वसल्लम माशाल्लाह की, और फिर इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी ऐसा माशाल्लाह ही हिफ़्ज़ हुआ, 5-6 एक्सेंट के साथ, शेख अब्दुलरहमान सुदेस, शेख सादुल गामिदी, शेख अब्दुलरहमान हुज़ैफ़ी, क़ारी अब्दुलबासित साहब, तो और 5-6 एक्सेंट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किए। माशाल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى
فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی. تو نعتیہ کلام کا بھی شوق رہا ہے اور اگرچہ اتنے عرصہ ہو گیا میں نے نعتیہ کلام بھی پڑھی نہیں ہے کلام پڑھا نہیں ہے لیکن میں تھوڑا گنگنا دیتا ہوں. میرے مولا میرے داتا ہو, میرے مولا میرے داتا, میرے مولا میرے داتا, میرے مولا میرے داتا ہو, میرے مولا میرے مولا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی تو آواز سے میں نے گفتگو بھی تفصیل سے کی ہے. تو انشاءاللہ جی ہم ایک صوفی کانفرنس کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل علم کی 100 اسکالرس مفتین کرام کی میں نے ٹیم بنائی ہے جو صوفی کلام کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہم آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ نوجوانوں کی ہم کونسلنگ کریں, ہم ان کے سامنے رکھیں کہ آپ یہ آلات تو سب چیزیں مخلوق ہیں, اس کے ذریعے سے مطلب دین کو پھیلانے کے لیے ہر ذریعہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ تو ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا پھیلا رہے ہیں. بالکل مفتی صاحب بہت شکریہ مفتی اے آر رحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, اور ہم نے ایک بار ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی. انہوں نے کہا کہ ضرور وہ ہمارے پاس آئیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ایک پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے, ایک ہارمنی پھیلانے کے لیے ڈسکشن کریں گے. اور ہم نے بہت سے سوالات کیے آپ نے دیکھے اور میری انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے, لیکن مفتی صاحب ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری رات بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے آمین آمین. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی مفتی صاحب کے ساتھ. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے تو ضرور کمنٹ میں لکھیے, اور مفتی اے آر رحمان کے ساتھ حمزہ مقبول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.